नगर निगम हबोर दे विच खड़े हैं। इत्थे कल तकरीबन 12:30 बजे घटना घटती है, एक बंदे नूं सीवर दे विच वाड़िया जांदा, उहनूं गैस चढ़ जांदी है, हालात खराब हुंदे ने, बंदे नूं होस्पिटलाइज किया जाता है। बई हुणे जिहड़े हैगे आ सारे इकट्ठे होए हुए है, शायद इहनां दी मंग जिहड़ी हैगी है वह वड्डे लेवल दी होवे। गलबात करते हैं कि इहनां दी मंग है ते अफसर की कहिंदे ने, की इह हुण मिले ने अफसरां नूं, यात्रा तक कोई गलबात हुई है? सो इन्हां थोड़ा की लगता सी बई, जिहड़ा बई नूं गैस चढ़ी, थोड़ा की लगता? छोटा बई सी। छोटा बई, अच्छा, की घटना की हुई, किवें हुई? सर जी मेरा बाप हैगा थोड़ा बीमार, सिर प्रदीप का आया फोन, मेरा सुपरवाइजर प्रदीप का, वो कहे पप्पू तू नहीं आ रहा तो तेरा छोरा ना भेज दे, नहीं तो तेरी हाजिरी कट जाएगी। वो मजबूर होगा, फिर आसू ने जाना पड़ा कि भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे बाप की हाजिरी ना काटी। फिर हम इन्ना फटी इन्नी आबादी फटी पाकर चले गए हम, और इन्ना फिर फटी फटी पाकर हमने इन्ना बुला लिया धर्मनगरी बारह नंबर में, बोले बेले नहीं रहने देना इन्हों। प्रदीप बोला जी इन्ना बुला लिया, बुलाते इन्ना जी मैं भाई जी ठल्लू मंगा लो सर, मैंने कह मैं लैन आ सके कुछ भी हो सके, बेल्ट नू सेफ्टी बेल्ट बुल्ट सारा कुछ पिरा रखा थे, कहता कुछ नहीं होता टैंक चला रखे। मैं भाई जी ठल्लू मंगा लो, मैं कहा उसे ध्यान था भाई काम करिए, उसने एक ईंट पलग ही तोड़ी है, इतने पानी छोरा जाग मुँह में बढ़ गया, सारा बुरा हाल होगा जी, आँखा को नहीं खुली, गैस गैस चढ़ गई। मैं कालू एक था बाहर खींच लिया जी हमने, मैं कालू से लेकर चला, बुरा हो रही बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल ले आए। अच्छा भाई जो सीवर के वड़ते हो एक किट मिलती होंगी है सारे, कुछ ही नहीं दी, प्रशासन तो मंगी है तुम भी कल बेल्ट बेल्ट ही दी है, जो तुम कहने ये काम है नहीं तो फिर तो जबरदस्ती कौन करा? प्रदीप जी, प्रदीप है बुलंदी है जी, वड्डे आरोप ने बाई होरां दे के बुलंदी ते प्रदीप दो बंदे सुपरवाइजर ने जेड़े जे इह काम नहीं करदे या जिहड़ा इहनां दा काम है नहीं उह तों जवाब दिंदे ने तां कहिंदे ने करतार जी नूं मिलो जाके पांच नंबर कमरे च जाके मिलो, तो असी मिलते हैं अज जाके करतार जी नूं भी ते पांच नंबर कमरे च भी की कहिंदे ने ओह ते बुलंदी ते प्रदीप कौन ने उन्हां नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे। इस मसले की नवी अपडेट ये है कि जदों सैनेटरी इंस्पैक्टर करतार सिंह नाल गल करन दी कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जिहड़ा मुलाजम उह साडा नहीं सी, कोई प्राइवेट काम करदा सीगा, प्राइवेट मुलाजम सीगा, लोगों के पैसे लैके अपने आप काम करता सी, साडा कोई से तरह का कोई मुलाजम वह नहीं सी। हालांकि एहो जिहा मसला एक पिछले साल भी होया सी जिथे एक बच्चे की मौत हो गई सी, जिहड़ी उम्र बहुत घट सी, जिहदे विच 4 लाख रुपए का मुआवजा जिहड़ा महकमे वल्लों शायद दिता गया सी। पर वड्डियां गल्लां इह ने कि जिहड़े कच्चे मुलाजम ने जे उह मुंडा अज मर जांदा तां की वी फिर भी सैनेटरी इंस्पैक्टर इह कहिंदे कि वह बंदा साडा नहीं सी, बंदा मर गया प्राइवेट है, तो फिर ये कितों तक जाऊगी कच्चे मुलाजमान नाल धक्का फिर हुण कदों तक होगा, तो ये मसलियां का हल किवें निकलूगा? यूनियन के प्रधान रामदास जी साडे नाल मौजूद ने। रामदास जी जिवें सैनेटरी इंस्पैक्टर कहिंदे है जिन्हों कल गैस चढ़ी वो साडा बंदा है नहीं, साडा मुलाजम है नहीं, सही है गल? वो पता की है जी, वो आपकी फादर के थां ते जाने काम करता सी, वो मुलाजम इन्हां दा नहीं है, आपकी फादर थां काम करता सी, आपकी थां काम करी जा, और बाप भी सीगा जिहड़ा सुपरवाइजर है जी, फिर उन्हें काम किवें करन दिता जदों वह मुलाजम है नहीं गा, तो फिर उन्हें विच किवें वारता? सुपरवाइजर नहीं, सुपरवाइजर तो थां ते वह प्राइवेट कोई काम सीगा, इस करके उत्थे गया होया सीगा, उहदा महकमे नाल कोई तालुकात है नहीं सी, काम तो महकमे दा सीगा, फिर जो महकमे दा काम सी तो फिर बंदा कर रिहा, तो फिर सैनेटरी इंस्पैक्टर ये गल किवें कह रहा? नागरी किए करते हो, वही गल है ये लोग थोड़े से विश्वास करते हैं, प्रधान थोड़ू बनाया, तुम इस गलते एग्री किमें करते हो कि बंदा बहर का सगा वो प्राइवेट काम करता है? सानू आप लोग नहीं पता सगा कि मेरा महकमा जोड़ा ना पब्लिक हेल्थ है, तो इन्होंने मैनू कल कोई 2 बजे यानी दसिया कि यह गल हो गई गैस गैस चढ़ी हुई है, तो इस करके जरा ने बाद चीज पता किया कि बंदा है कि नहीं है, तो पता किया कि डैडी थां प्रधान जी थोड़ी गल सारी सुन ली मैं, वो आपके डैडी की थां पर आया सीगा, मैं और आपके प्यो की थां पर कम जे के जाके किमें कर लूँ या मेरी थां पर मेरा प्यो
मेरा प्यो या होर बंदा आके कम कम किवें कर लूगा, क्योंकि जो कम हाजरी मेरी लगनी है तो वो दूजा बंदा किवें कर सकदा। बंदा ही प्राइवेट है, जो प्यो है वह भी प्राइवेट है, सरकारी है। अच्छा सरकारी है। देखो महकमे का बंदा सरकारी बंदा वो थां ते जो पुत आया जे वह रब ना करे जे वह मौके पर डैथ कर जाता होर फिर भी महकमा ये कहता और परिवार को कोई हरजाना नहीं मिलना सी, कुछ नहीं मिलना सी, खत्म सी। कहने प्राइवेट बंदा सी, प्राइवेट पैसे लेके काम करता सी। हरजाना तो इदा इससे पहले एक मुंडा होर मरिया सी, आज तो कोई साल डेढ़ साल दो साल डेढ़ दो साल हो गए उदो मरिया सी। उदो हरजाना यानी कंपनी सी उन्हें थ्रू काम करता सी, उन्होंने भी हरजाना असी दवाया सी कंपनी को। नहीं वह तो मर गया तो हरजाना प्रधान जी तुसीं दवाता, पर फिर मेरा सवाल उही है भी वो जेड़ा बंदे नू कल गैस चढ़ी है वह महकमे नाल तालुकात सी के नहीं सी? जे उहदे प्यो दी थां ते वह आया सी तां उहनू कम करन क्यों दिता गया? जे उहनू कम करन दिता गया तां इट मीनस वह थोड़े पहलां भी कम आउंदा सी, ते फिर प्रशासन दे जिहड़े अधिकारी है सैनेटरी इंस्पैक्टर है या तुसीं भी क्यों मुकर रहे हो इस गल तों? क्यों थोड़ा बंदा नहीं? नहीं नहीं असीं नहीं मुकर रहे। तुसीं सैनेटरी इंस्पैक्टर दे सामने ये गल कही है? सैनेटरी इंस्पैक्टर ने थोड़े सामने कही है ना क्यों महकमे दा बंदा नहीं सी? इंस्पैक्टर साहब ने कही है गल, लेकिन इन्नी नॉलेज मैनू भी नहीं सी। वह प्राइवेट रखा होया सी अपने जिहड़ी थां आया सी। सो दोस्तों वड्डियां गल्लां ने, प्रधान जी कहिंदे ने नॉलेज मैनू भी नहीं सी, जिहड़ी गल सैनेटरी इंस्पैक्टर कहिंदा है कि वह बंदा महकमे दा नहीं सीगा, प्राइवेट काम करदा सी, प्राइवेट पैसे लैके काम करदा सीगा। तां फिर की जे वह बंदा कल मर जाता, रब ना करे उन कुछ हो जाता, फिर महकमा की कहता? ये वड्डे सवाल ने, सवाल तुसी पुछने ने ये अधिकारियों तो जिहड़े मोटिया मोटिया तनखाहां लैके ए सी ऑफिसां दे विच बह के काम करते हैं, तो इहो जे गरीब बंदे जिहड़े धुप्पां दे विच काम करते हैं, तो फिर उस तों बाद कह दिता जाता कि ये साडा मुलाजम नहीं है। कैमरामैन कान्हा राम दे नाल बलकरन सिंह डब्बाली, साडा टीवी यू।